हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, रैशनल इरेशनल दोनों आती हैं। रैशनल भी होती हैं और इरेशनल भी। सभी संख्याएं जो है वो हमारे पास काहे में आती हैं, ये परिमेय संख्याओं में आती हैं। ये परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्याओं में आती हैं, रियल नंबर में आती हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो हर एक इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ऑल इरेशनल नंबर्स कम्स द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ये वाले क्या लिखेंगे, सत्य, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में शामिल हैं। ठीक है, सेकंड देखिए क्या बोला इन्होंने। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ m अंडर रूट m है ये। खाली नहीं, अंडर रूट m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अभी तो गलत होगी स्टेटमेंट। कारण क्या है कि बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं, जैसे नेगेटिव वाली संख्याएं होती हैं, उनका स्क्वेयर रूट जो है नेचुरल नंबर। ठीक है ना, जैसे फॉल्स। मान लो m की वैल्यू हम यहाँ माइनस ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, और -5 का जब हम अंडर रूट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो स्क्वेयर रूट है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल है। यहाँ लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इसका स्क्वेयर रूट नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर नहीं आता, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अगले में वो कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। नहीं भाई, रियल नंबर में क्या आते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो हर एक रियल नंबर इरेशनल थोड़ी हो सकता है, रियल में तो रैशनल भी आएंगे, तो ये स्टेटमेंट ही हमारी क्या उसी होगी, फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो मैं लिखेंगे फॉल्स, ये असत्य है। क्यों, क्योंकि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स हैव रैशनल और इरेशनल। ठीक अपने यहाँ लिखना है इसको। ठीक है, थोड़ा छोटा सा ये क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज ही बड़ी छोटी सी है, 3 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। अगले में देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आर स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल। अब देखिए, नहीं होते, नो, क्योंकि आप कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने 81 ले लिया। अब 81 का जो स्क्वेयर रूट होता है वो 9 होता है, और 9 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 9 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अंडर रूट 81 लिया हमने, 81 का वर्गमूल 9 होता है, और 9 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल भी देता हूँ जो अंडर रूट वाली है और अपरिमेय है, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 है ना, जिनके वर्गमूल पूरे नहीं निकलते, जिनके स्क्वेयर रूट कंप्लीट नहीं होते, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आता है पेपर में 1-1 मार्क्स का, कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। आप देखिए, 1 to 100, अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 16, अंडर रूट 9 आएगा पहले, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, 36 और 49,
अंडर रूट में, 81 अंडर रूट में और 100। ये 1 to 100 ऐसी 10 संख्याएं हैं जो परिमेय हैं, जो रैशनल नंबर हैं, बाकी सब इरेशनल नंबर होते हैं। 100% इस पे से क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेते हैं, तो आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित सॉरी दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित है, यही यहाँ से मिस जाएगा, निरूपित किया जा सकता है। तो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम नंबर लाइन पर, मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि प्रकार मेरे पास अभी नहीं है यहाँ पर, इससे देखो ऐसा समझाता हूँ, आपने एक नंबर लाइन लेनी है, एक लाइन लेके इस यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि लाइन के लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव संख्याएं होती हैं और राइट हैंड पे हमेशा पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, ठीक। इसको जीरो करके आपने एक प्रकार अपने हिसाब से कितनी भी खोल लेनी, थोड़ी सी खोल लेनी, एक कट लगाया, दो कट लगाया। अब इसका अंडर रूट 5 को कैसे बनाते हैं, क्या मतलब होता है, अब इसको आप क्या करोगे, अंडर रूट 5 जो है 4 + 1, और 4 क्या है का स्क्वायर और 1 क्या है 1 का स्क्वायर। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, तो आपने क्या करना, 2 कट लगाने, दोनों इक्वल होने चाहिए, और सेकंड कट पर आपने एक 90 का एंगल बना लेना, एक एंगल बनाना 90 का, जितने जितने आपने 2 कट 1 लगाए हैं उतना ही कट आपने यहाँ लगा, ठीक है। तो आपने यहाँ 1 कट लगाया और यहाँ पर आपने कट लगाया, ये 2 और 1 किस हिसाब से लिए, जो यहाँ पे थे हमारे, आपने इस लाइन को ज्वाइन करा देना है, ठीक। अब आपने यहाँ पे जहाँ पे हमने 0 लिखा है, इस 0 को प्रकार की आपने यहाँ भी रखनी है और यहाँ पर रखनी है पेंसिल, इस बिंदु मैं ए बी भी नाम ले देता हूँ, इस ए बी दे देता हूँ, बी बिंदु पर आपने प्रकार की जो है पेंसिल रखनी है और इसको यहाँ से एक नीचे की तरफ आर्क। अब आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो संख्या बनेगी उसे हम अंडर रूट 5 कहते हैं। तो आप यहाँ सी डी कुछ भी, हमने सी बिंदु लिया, ठीक है। ये क्या हो गया अंडर रूट 5। इसकी आपने कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं कि हमने एक लाइन ली और लाइन पर हमने 2 इक्वल जो है कट लगाए और ए पर 90 का एंगल बनाया, वहां पर हमने सिंगल एक कट लगाना है, ठीक। और तो आप यहाँ ओ भी लिख लेते हैं, जैसे हमने 0 1 2 लिखा था ना, 0 1 2 था, इसको एक ओ बिंदु भी ले लेते हैं, फिर ओ बी की जो है रेडियस मान के हमने एक आर्क लगाई, जो सी ओ सी जो है हमारे पास अंडर रूट 5 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 क्वेश्चन ही थे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।